गुड इवनिंग ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने बहुत बहुत अच्छा आज भी प्रॉफिट किया होगा। डेफिनेटली हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम, हमने एक्सपायरी का डिस्कस जो किया था वीडियो में, वो यही था कि अगर इस बॉक्स के अंदर कहीं भी आती है तो हम कैसे करेंगे, और अगर आउट ऑफ द बॉक्स आती है तो डेफिनेटली मैंने पहले ही बोला था कि यहां तक आपको एक बार रिट्रेस करेगा और आप एक पुट की कॉल में बैठेंगे, जिस तरफ मार्केट जाएगी उस तरफ के लिए आप नीचे की ओर के लिए 100 पॉइंट के लिए एटलीस्ट आपको बैठना है। डेफिनेटली जो भी बैठा होगा उसने अच्छा अर्न किया होगा आज। चलिए बात कर लेते हैं बिना किसी बकवास के, अब हम कल के दिन मार्केट में कैसे कामकाज कर सकते हैं। देखिए आज मार्केट ने हमें क्या किया है, हमें अगर देखना हो, अगर वीकली एनालिसिस पे अगर हम ये मंथली एनालिसिस करके चलो शुरुआत करते हैं मंथली एनालिसिस पे, राइट। मंथली एनालिसिस पे आप देख रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए सो दैट आप अच्छे से देख पाए। मंथली एनालिसिस पे हमने क्या डिस्कस किया था कि आज तक, अभी तक लास्ट मंथ जो मैंने आपको बोला था कि मार्केट ने यहाँ इस पॉइंट पे 1800 का जो आंकड़ा है, 18,000 का आंकड़ा, वो क्रॉस नहीं किया था। हाउएवर मार्केट ट्राई करता रहा, बहुत बार ट्राई करा क्रॉस करने का लेकिन कर नहीं पाया, इस बार किया और अभी जो नया मंथ हमारा स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में हमें एक छोटी सी रेड कैंडल यहाँ पे मार्केट ने दिखा दी है। ये एक थोड़ा सा खतरे का साइन इन द सेंस कि ये एक हमें बेरिश थोड़ा सा बनाता है, कॉल के लिए अग्रेसिवली हम अब नहीं जा सकते। अगर हम बात करें वीकली एनालिसिस पे तो वीकली एनालिसिस पे भी एक रेड कैंडल बना दी है, जो कि अगर देखिए, अगर ये जो कैंडल है क्लोज जो आज दिया है 18028, अगर ये रेड कैंडल इस पॉइंट के अंदर नहीं आती, 18,100 के अंदर इस जो ये वाली कैंडल है, इसका जो हाई है उसके अंदर अगर एंट्री नहीं करती, क्लोज नहीं देती, तो डेफिनेटली मैं बुलिश ही मेरा व्यू रहता। लेकिन इसने एक रेड कैंडल क्रिएट करी है वीकली बेस पे और क्लोजिंग दे दी है हमें नीचे, और ये क्लोजिंग नियर अबाउट 18,028 पे दे दी है, जबकि हम अगर बुलिश हो सकते हैं तो सिर्फ एक ही टाइम पे हो सकते हैं। बात कर लेते हैं डेली बेस पे कब हम बुलिश हो सकते हैं और कब नहीं हो सकते हैं, पहले डे की बात कर लेते हैं। डेली बेस पे भी अगर हम देखें तो तीन कैंडल हमारे पास आ चुकी हैं रेड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि हम एग्रेसिवली कॉल के लिए कहीं से भी नहीं बैठ सकते और ना ही पुट के लिए बैठ सकते हैं। कल का दिन होगा हमारे लिए देखने लायक कि कल मार्केट क्या करती है, किस तरफ का रुझान रखती है। तो देखिए आगे बात करते हैं 5 मिनट के एनालिसिस पे, मार्केट हमें क्या क्या और रंग दिखाती है, राइट। देखिए मार्केट ने अपना हाई जो बनाया है आज के दिन वो ये पॉइंट है 18,000 का, ठीक है 18,100 का, और जो इसने लो बनाया है अपना वो बनाया है ये पॉइंट 970। तो देखिए अगर आप मेरे थॉट प्रोसेस के साथ अगर एनालाइजेशन करना जानते हो या चाह रहे हो और सीख रहे हो और अच्छा मजा आ रहा है आपको ट्रेड करने में, तो ऐसे आपको एनालाइजेशन करनी है कि अब ये जो जोन बना हुआ है, अब इस जोन को आप देख रहे हो, ये जोन एक एंटी जेड जोन है आपका। इस जोन में आप ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे, ये एक एंटी जेड जोन, नो ट्रेड जोन बन चुका है, ठीक है। करेंगे क्या, हम कैसे कामकाज करेंगे, अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है डेफिनेटली हम कॉल लेंगे, इसके नीचे जाती है डेफिनेटली हम पुट में बैठेंगे, ठीक है। इसके बीच में अगर ट्रेड करोगे तो आपको थोड़ा सा लॉस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रीमियम डीके होगा इसमें। देखिए फिर भी मैं आपको एक और एनालाइजेशन करके बताता हूं जिसके थ्रू शायद आप थोड़ा बहुत ट्रेड कल कर पाए। तो आपको करना क्या है, आपको एक चैनल ड्रॉ करना है ऐसे पैरेलल, ठीक है, ऐसे कल मार्केट में आपको पैरेलल चैनल ड्रॉ करके रखना है, जैसे मैं आपको करके दे रहा हूं, ये आपका ड्रॉ होना चाहिए लेकिन, ठीक है।
है, ये आपको ड्रॉ करना है इस तरीके से। आप इस पॉइंट को इसके यहां ले जाइए। आज आपको दिख जाएगा कि मार्केट कर क्या रही है आज इस बेस पे। देखिए ये एक रेंज मार्केट ने आज क्रिएट करी है, अगर आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा कि मार्केट में ऐसा भी हो रहा है। अब देख सकते हैं। अच्छा ये अब जब ये आपका ये ड्रॉ होगा तो आप देख सकते हो कि क्या हुआ था कल। यहां से आई मार्केट इस पॉइंट तक गई और उसके बाद फिर यहां पर रेजिस्टेंस लिया, इस पॉइंट तक आई, फिर लिया सपोर्ट, फिर ऊपर से रेजिस्टेंस लिया और फिर वहीं पे आई। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, आज के दिन गैप डाउन दिया, गैप डाउन के बाद मार्केट आई ऊपर इस पॉइंट तक गई। कौन से पॉइंट तक, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, यहीं से मार्केट ने क्या किया है, आज रेजिस्टेंस लिया है। राइट, यहां से रेजिस्टेंस लेने के बाद डायरेक्ट उसी पॉइंट पे जाके गिरी है जहां पे इसका सपोर्ट जहां से लिया है इसने, वो ये पॉइंट आता है आपका बिल्कुल इस चैनल का एंड पॉइंट। राइट, उसके बाद फिर से उसने सपोर्ट लेने के बाद रेजिस्टेंस कहां से खाया, उसी के चैनल के बीच के पार्ट से फिर से रेजिस्टेंस खाया और अगेन मार्केट ने यहां से सपोर्ट लेते हुए और उसके बाद इस चैनल के ये डॉटेड लाइन वाले को उसको तोड़ के ऊपर आई है। अब मार्केट में आप क्या कर सकते हैं सर, अगर मार्केट में देखिए यहाँ कहीं मार्केट ओपन होती है इतने पॉइंट तक, ये आपका पॉइंट जो दिख रहा है 18068 नियर अबाउट दिख रहा है मुझे, अगर यहां तक खुलती है मार्केट, आप देखिए सिंपल रखिएगा, अगर मार्केट चैनल के अंदर है तो ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहां कहीं खुलती है आपको वेट करना है ऊपर जाने का, ऊपर अगर क्रॉस करती है आपको कॉल के लिए ले जाना है, अगर नहीं करती है रेजिस्टेंस लेती है तो आपको पुट के लिए बैठ जाना है, अच्छे टारगेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर गैप डाउन होती है, अगर यहाँ कहीं ओपन होती है देख लेना है आपको, मॉर्निंग में अगर ये चैनल से आउट होती है तो आप पुट के लिए बैठेंगे, अगर इन होती है, इन रहती है तो डेफिनेटली इसके बीच में घूमेगा। अगर ये अगर क्रिएट कर रही है मार्केट चैनल ऐसा, डेफिनेटली कुछ दिन फिर मार्केट इसमें वर्क कर सकती है, तो आपको ये एक ड्रॉ कर लेना है चैनल सो दैट आपको इजी रहे ट्रेड करने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपको एनालाइजेशन अच्छा लग रहा हो, बेनिफिट हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो तो डेफिनेटली इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और आपको इसका फायदा होता रहे। थैंक यू।